पूरा स्टाइलिश बना दिया है, रामायण को छोड़ के कुछ और ही बना दिया है। जो ओरिजिनल कथा को वैसे ही दिखाना चाहिए। जब आप इस पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हम बॉलीवुड के पिक्चर्स देख रहे हैं ना कि रामायण। तो इसको रामायण से तो तुलना हम नहीं कर सकते, अपना माइंड में वैसा है वैसा नहीं कथा दिखा सकते। वो अपना बाहुबली का सेट होगा, सीधा रामायण में आ गए अपना एक्टिंग करके। उनका जो लुक बताया एज अ रावण वो अच्छा नहीं लगा, मुगल एम्परर बता रहे उसको। नॉट अप टू द मार्क। इनफैक्ट रामायण सागर की रामायण बहुत अच्छी हुई, पूरा मजा नहीं आया। रावण वगैरह सब पूरा स्टाइलिश बना दिया है, रामायण को छोड़ के कुछ और ही बना दिया है। वन टाइम वॉच है, ठीक है, देख सकते हैं, न्यू जनरेशन देख सकती है, बाकी जो ऑलरेडी रामानंद सागर की देखी हुई रामायण उससे रिलेट नहीं कर पाते कोई भी। एकदम बढ़िया है, आज बता रहे हैं आज की पीढ़ी को सनातन धर्म के बारे में, राम भगवान के बारे में। उनका सबका सभी का किरदार बड़ा अच्छा था, 5 स्टार्स देंगे। बहुत अच्छी लगी और रेट की बात करेंगे तो मैं 10 out of 9 दूंगा। एक्टिंग के मुझे बहुत अच्छी लगी और सैफ अली खान के तो मतलब विलेन का जो रोल किया है आउटस्टैंडिंग। आदि पुरुष देखी और बहुत ही मजा आ गया। उसने रावण का रोल किया है, बहुत क्रूर रोल किया है लेकिन बहुत सूटेबल किया है। सोने की खान कहाँ से होगी, वो तो कहीं है ही नहीं। और लंका को जिस तरह उन्होंने चित्रित किया है वो ठीक है। देखिए वो बी आर चोपड़ा की सीरियल थी, वो बहुत अच्छी थी। अब उसके बाद जब हम लोग छोटे थे तब ये देखी थी और अब आज के नए बच्चों को तो इतना टाइम भी नहीं कि वो पुरानी पिक्चर देख सके। ये देख के उनको खबर पड़े, पता चलेगा कि हमारा धर्म क्या है, सनातन धर्म क्या है, संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। तो नए बच्चों को खास देखनी चाहिए। बजरंग बली बहुत अच्छा, हनुमान जी का रोल बहुत बढ़िया है। जैसा नाम है आदि पुरुष वैसा ही इस पिक्चर्स का पूरा वर्क भी था। और सबसे अच्छी बात ये रही इसमें कि VFX को यूज किया गया है और जैसे जनरेशन बदलता है उस हिसाब से इस पिक्चर्स को क्रिएट किया गया ताकि बच्चे भी जान सके आखिरकार चल क्या रहा है, मतलब हमारे परंपरा क्या है, रीति रिवाज क्या है। लेकिन मुझे जहां तक लगता था कि पुरानी चीजों को, पुराने रामायण को जब मैंने देखा था तो मुझे लगा था कुछ चीज मैच करेगा, बट उसमें बिल्कुल भी मैच नहीं था। तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है। कहते हैं ना छवि जो होता है, जैसे राम का छवि और सीता का छवि जो सबके चेहरे में बसा हुआ है, वो चेहरा नहीं दिखा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंट। रामायण की अगर मैं बात करूं या फिर सीता के कैरेक्टर्स की बात करूं उसमें वो फिट नहीं बैठती है। सैफ अली खान भी बहुत अच्छे लगे, बट मैंने जैसे बताया ना आपको कि बहुत सारी चीजें हैं कि अगर जब आप इस पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि वो मतलब रामायण से कहीं भी ये पिक्चर्स को कैलकुलेट नहीं। अच्छा आप थोड़े टाइम देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप बॉलीवुड में घुस गए, मतलब कहीं ना कहीं इतना VFX यूज किया गया, इतना VFX यूज किया गया। सबको ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ रामायण का कुछ चीज पार्ट होगा, पर जब आप इस पिक्चर्स को देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि हम बॉलीवुड के पिक्चर्स देख रहे हैं ना कि रामायण। तो इसको रामायण से तो तुलना हम नहीं कर सकते हैं, बेशक किरदार कोई भी हो लेकिन रामायण से तुलना नहीं कर सकते इस पिक्चर्स को। 2.4 रावण बहुत अच्छे लग रहे हैं राम जी के इसमें, बट जो बोल रहे सब कि वो राम में फिट नहीं हो रहे, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। सैफ अली खान की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है, बट उनका जो लुक बताया एज अ रावण वो अच्छा नहीं लगा, वो ऐसा मुगल एम्परर बता रहे उसमें। मैं इसको दूंगा 10 में से 9। मूवी मस्त लगा था मुझे तो, और पब्लिक ने बोला एनिमेशन पिक्चर है, एनिमेटेड पिक्चर है, ऐसा कुछ नहीं बिल्कुल, क्योंकि 3D मूवी 3D में ही देखना है। मोबाइल में जो ट्रेलर आएगा उसको देख के रिव्यू देना हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ऐसा कि रावण को ऐसा मॉडर्न दिखाया ऐसा वैसा ऐसा कुछ नहीं है। ये जनरेशन को ये मूवी जरूर देखना है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आई एम फ्रॉम साउथ इंडियन हैदराबादी, बिग फैन ऑफ प्रभास, मुझे तो बहुत पसंद आया मूवी। 5.5 ये मूवी अपने आने वाली जनरेशन के लिए निकाला है एंड सब लोग एंजॉय करो मूवी को। कोई मेरे को ये विजुअल अच्छा नहीं लगा, ये रावण को ऐसा दिखा अच्छा नहीं लगा, ये सब मत बोलो, क्योंकि तुम लोगों को बचपन से बताया गया रामायण कैरेक्टर्स मतलब जो है वो प्रॉपर वही है, बट तुम लोग ने कैसा अपना जो सीरियल्स वगैरह देखा है वो अलग है एंड मूवी में जो दिखाया वो अलग है। मूवी में कैसा दिखा, थोड़ा विजुअलाइज करके, थोड़ा VFX डाल के वो सब दिखाया, थोड़ा सुपर हीरोज का जैसा दिखाया कैरेक्टर, मतलब वही है जो स्टोरी है वही है, बट विजुअलाइज में एंड सम VFX में चेंजेस किया है एंड BGM वगैरह देके ये किया है, इसलिए कोई पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है, किसी को पसंद आ रहा है। एंड मैं तो बोलता हूँ डेफिनेटली मस्ट वॉच मूवी है, क्योंकि रावण को और डेंजरस दिखाना चाहिए था बट दिखाया नहीं है एंड मॉडर्न वाइज में दिखाया, ठीक है, फिर भी एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ भाई अच्छा है। वो डायलॉग्स जो है और इम्पैक्ट बताने चाहिए थे, कहीं कहीं पे अच्छा है, कहीं कहीं पे नॉर्मलाइज लगा है, बट ओवरऑल मूवी बहुत अच्छा है। अच्छी नहीं लगी, मैं बहुत
बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मेरी जो एक्सपेक्टेशंस लेवल थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करा था VFX पे इन्होंने वापस से, क्योंकि फर्स्ट टीज़र जब रिलीज़ हुआ था तब लोग बहुत ज़्यादा स्पेक्टिकल थे कि अच्छी होगी नहीं होगी, तो इन्होंने वापस से 100 करोड़ उसमें डाल दिए। मुझे लगा चलो अब अच्छी होगी, तो जब मैंने देखी अभी 3 घंटे तो मुझे VFX के वो 100 करोड़ कहीं नज़र नहीं आए, मतलब बेवकूफ बना दिया है। प्रभास का कैरेक्टर मेरे को नहीं अच्छा लगा, क्योंकि वो कास्टिंग मेरे को थोड़ी गलत सी लगी। प्रभास एज ओके बाहुबली एग्रेसिव, उनका अग्रेसन वो वहाँ पर मुझे दिख रहा था, वही लग रहा था कि वो अपना बाहुबली का सेट छोड़कर सीधा रामायण में आ गए अपना एक्टिंग करने के। मुझे शुरू से लेके आखिर तक मेरे को ये समझ में आया इन्होंने इतना मॉडर्न क्यों का बनाना था, कुछ तो रखते सेंटिमेंट्स को देखते, और वही पढ़ा था कि रावण की लंका सोने की, इन्होंने काफ़ी डार्क दिखाया है, सोने की तो दिखाई है बट काफ़ी डार्क दिखाई है। फिल्म इतनी अच्छी नहीं लगी, जो रामायण पहले देख चुके थे वो कंपैरिजन में कुछ भी नहीं। मेरे को आदिपुरुष पिक्चर तो बहुत अच्छी लगी। देखो रामायण कथा जो ऐसा है ना, सीता माँ को तो जमीन से उखाड़ के लेके जाते हैं, ये बंदे ने तो ऐसे दिखाया कि नॉर्मली ऐसा उनको हाथ में ये जादू करके, वैसे नहीं दिखाना चाहिए। जो ओरिजिनल कथा को वैसे ही दिखाना चाहिए, ये कोई अपना माइंड में वैसा है वैसा नहीं कथा दिखा सकते। और ग्राफिक्स के ऊपर है ना थोड़ा ये हो गया, ऊपर नीचे हो गया, जो अपने को एक्सपेक्टेशन था वैसे नहीं दिखा पाया। फिल्म बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, तो जिस तरह माइथोलॉजी को मॉडर्न टाइप से इमॉर्टलाइज किया ऑन द सेलुलॉइड ऑन द बिग स्क्रीन, वो देख के बहुत अच्छा लगा। और इतना फ्लॉलेसली इतना इम्पेकेबली दिखाया गया है, और लोग इतना ट्रोल कर रहे थे कि VFX कैसे हैं, 3D effects ऐसे हैं, आप आके देखिए आपकी बोलती बंद हो जाएगी। ये रामायण उस वक्त में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उस वक्त में जो भी स्पेशल इफेक्ट्स रामानंद सागर जी ने यूज़ किए थे वो बहुत ही अच्छे थे 80s में। लेकिन आजकल जो इतना हाईटेक ज़माना है, आजकल के ज़माने में इस तरह की टेक्नोलॉजी VFX वगैरह, VFX और 3D effects इतने उम्दा हैं कि आप देखते रह जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, मैं 4.5 स्टार्स दूंगा। मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था उतना तो रिच नहीं हुई, लेकिन एक बार देख सकते हैं। कृति सनन सुपर, मतलब इतना क्यूट, मतलब सीता के लिए परफेक्ट थी कृति सनन, और राम के लिए प्रभास भी सुपर थे, लेकिन बीच बीच में थोड़ा VFX थोड़ा कम लगा। और मूवी में हमने देखा VFX रावण को कुछ जगह पे VFX ज़्यादा लगता है, और इतना हैवी दिखा रहे मतलब सैफ अली खान को, लेकिन फाइनली उनका परफॉर्मेंस और डायलॉग बहुत अच्छा लगा। मतलब बीच बीच में थोड़ा बोर लग रहा था, लेकिन फाइनली आउटपुट में जो क्लाइमैक्स होते के बाद प्री क्लाइमैक्स सीन है, जो पावरफुल डायलॉग्स है जो प्रभास के साथ, बहुत अच्छे लगे। मतलब एक गूज़बम्स आते हैं, कुछ कुछ सीन से गूज़बम्स आते हैं।